जॉब बेटा अगर चल रही है तो फिर थोड़ा मैनेजमेंट चैलेंजिंग हो जाता है, बट इम्पॉसिबल तब भी नहीं होता। बस वही तो गलती कर गए, उसका एसएमएस पढ़ रहे थे, देख लिया लोगों ने। शंकर जी बन जाओ, शंकर जी तुम शंकर जी बन जाओ, जहर पीना सीख जाओ, खूब जहर पियो और हंसो अंदर ही अंदर, और किसी दिन तांडो करना आईएएस बनने के बाद, और इतना पीटना सब लोगों को पटक पटक के, और इसी बात को सोच के मुस्कुराया करो कि बेटा एक दिन जो है घघरा पहना के नचाऊंगा पूरे डिपार्टमेंट को, जान लेना। और बॉलीवुड के पुराने गाने सुना करो, नए वाले मत सुनना, पागल हो जाओगे, सारे फैक्ट भूल जाओगे। खड़ा खड़ा से देख रहा था, कोई काम नहीं, लड़की का बाल पकड़ के घुमा रहे दिन भर ऐसे करके। जय हिंद फ्रेंड्स। सर हाँ बताओ। जी सर, सर मैं शामली में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, तो जब भी सर पता चला है जैसे सीनियर को कि आई एम प्रिपेयरिंग, तो हर चीज पे वही ऑब्जेक्शन हो गया कि तुम्हें तो तैयारी करनी है, काम तो करना ही नहीं है। तुम्हें बताना नहीं चाहिए था कि तुम ऐश्वर्या राय से प्यार करते हो? सर मैंने बताया नहीं है किसी को भी। हाँ सर, बट कंडीशंस हो जाते हैं कि मैं ऑफिस में लंच चार्ज में अपने नोट्स लेके बैठा था एक दिन। बस वही तो गलती कर गए, उसका एसएमएस पढ़ रहे थे, देख लिया लोगों ने। यही तो गलती कर जाते हो यार तुम। मैं तुम शंकर जी बन जाओ, शंकर जी तुम शंकर जी बन जाओ, जहर पीना सीख जाओ, तुम शंकर जी बन जाओ। तुम आज के बाद तुम्हारा नाम, नया नाम है लॉर्ड शिवा। खूब जहर पियो और हंसो अंदर ही अंदर, और किसी दिन तांडव करना आईएएस बनने के बाद, और इतना पीटना सब लोगों को पटक पटक के, और इसी बात को सोच के मुस्कुराया करो कि बेटा एक दिन जो है घघरा पहना के नचाऊंगा पूरे डिपार्टमेंट को, जान लेना। थैंक यू सर। चलो ठीक है, आराम से ऐश करो। और बॉलीवुड के पुराने गाने सुना करो, नए वाले मत सुनना, पागल हो जाओगे, सारे फैक्ट भूल जाओगे। हाँ नितेश, क्या हाल है? तो तुम SBI में हो? अच्छा ये बताओ, वो जो पासबुक पे फोटो लगी होती है, उसको पासपोर्ट ऑफिस मानता है कि नहीं मानता है? चलो अच्छा ठीक है। हाँ आप बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है? हाँ तुम्हारी अभी उम्र कितनी है निखिल, और कहाँ पे हो तुम, पोस्टिंग कहाँ है? पलामू। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ दीक्षित, डेफिनेटली इट्स डिफिकल्ट चैलेंजिंग फॉर दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड, बट देयर इज अ सिंपल फार्मूला। जॉब बेटा अगर चल रही है तो फिर थोड़ा मैनेजमेंट चैलेंजिंग हो जाता है, बट इम्पॉसिबल तब भी नहीं होता, बिकॉज वंस योर बेसिक्स इज क्लियर। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं दे शुड इनिशियली बी अटेंटिव ऑन बेसिक्स, बिकॉज वंस योर बेसिक्स इज क्लियर, वंस यू नो वॉट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, तो लक्ष्मीकांत विल बिकम वेरी इजी, एनालिसिस विल बिकम वेरी इजी। हाँ ये कह रहे हैं कि अगर जॉब लग गई तो कैसे प्रिपेयर करें उसका। देखिए ये प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसे मिनिमम 10 घंटा पर डे चाहिए, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम 6। अब 6 घंटे में क्यों कह रहा हूं, जो 3 घंटे आप क्लास में पढ़ोगे उसे आपको कंसोलिडेट करना होता है, हजम। देर आर 2 बेलीज इन ह्यूमन बॉडी, एक ये और एक ये, और ये बड़ा ऑटो सिस्टम पे काम करती है, इसे जो चीजें पसंद होती हैं वो खुद ब खुद ऑटो सेव कर लेती है, और जो पसंद नहीं है उसे सेव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब आप ह्यूमैनिटीज से पहली बार टच में आते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका कंसोलिडेशन। तो अगर जॉब में आप हैं तो आपको मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, क्योंकि जॉब के साथ 6 घंटा निकालना ही पड़ेगा, 3 घंटे की क्लास और 3 घंटा डाइजेशन, वो 6 आवर्स आपको निकालने ही निकालने हैं। मतलब मिनिमम आवर्स रिक्वायर्स पर डे 6 एंड मैक्सिमम आवर इज 10, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कई बार लोगों ने हमसे पूछा, ये तो खैर सवाल ये है कि नौकरी करते वक्त कैसे करें, तो कई बार लड़के आते तो पूछते कितने घंटे पढ़े, मैंने कहा गर्लफ्रेंड है, बोले गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हमने कहा तब नहीं बता पाएंगे।
तो जाके एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत कर दी कि मिस्टर रोजा वॉज टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड, माई फादर हैज नॉट सेंड मी हियर टू मेक अ गर्लफ्रेंड, आई एम हियर टू स्टडी. तो मैनेजमेंट को बुलाया गया, लड़का तो बड़ा सिंसियर है. तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, बोला मिस्टर रोजा व्हाई यू से टॉक ऑल दीज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स. मैंने कहा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटर्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स. फिर मैंने, लड़का खड़ा था ऐसे देख रहा था मुझे, मैंने कहा तुमने ये नहीं पूछा कि ये सवाल मैंने तुमसे क्यों किया. हमारा ऑफिस राजेंद्र नगर में है, राजेंद्र नगर के पीछे बुद्धा पार्क है, तालकटोरा स्टेडियम. तो मैंने उसे कहा कि जाओ कभी वहां जाओ और पेयर्स जो बैठे हो तो उनको देख कर आओ. सुबह 8 बजे से बैठे रात 8 बजे तक, कोई काम नहीं, लड़की का बाल पकड़ के घुमा रहे दिन भर ऐसे ऐसे करके. वहां तो तुम नहीं पूछते कितने घंटे बैठे, क्योंकि मजा आ रहा है तुम्हें. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां भी तुम्हें मजा आता है ना तुम वहां टाइम नहीं पूछते, और जहां नहीं आएगा वहां तुम टाइम पूछोगे, और जब टाइम पूछोगे तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि इस प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं है, तुम अनलिमिटेड पढ़ सकते हो. लेकिन नौकरी करने वालों के साथ ये है ना कि ठीक है आप अगर 6 घंटे भी निकाल सकते हैं मिनिमम, उससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर होता है और क्लास होती है, उसको दोनों को कंसोलिडेट करना होता है. तो इफ यू कैन अफोर्ड 6 आवर्स पर डे तो यू कैन डू प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द जॉब.